Yes, very good morning, 12th class. Yes, beta, matrices में NCERT exemplar book. ये start किया हुआ हमने और 10 question हमने last class में किए थे. चलिए अगले 10 question करते हैं आज. Yes, this is the first question, beta. Show that A is equal to this matrix satisfies the equation A square minus 3A minus 7I is equal to null matrix and hence find A inverse. रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी बुक में भी था, ये कर चुके हैं आप. आई कंप्लीटली होप आप कर सकते हैं. पॉज करिए, अपने आप करिए, देन वेरीफाई फ्रॉम हियर. ओके, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है. ए मैट्रिक्स हमें गिवन है बेटा, फर्स्ट रो 5-3 एलिमेंट, सेकंड रो -1-2 एलिमेंट. ओके, वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर फर्स्ट. ए स्क्वायर मींस ए इनटू ए. That means we are to multiply matrix A with the matrix A itself. 5-3 -1-2 into 5-3 -1-2. आप कर सकते हैं इजिली से मल्टीप्लाई. नहीं लिख देते हैं बेटा, थोड़ा शॉर्ट में. 5 into 5 25 plus 3 into -1 -3 25 -3, that means 22. 5 into 3 15 plus 3 into -2 -6 15 -6 9 -1 into 5 -5 -2 into -1 2 -5 plus 2 that means -3 -1 into 3 -3 -2 into -2 4 -3 plus 4 that means 1. ओके, आई होप आपको कंप्लीटली याद है बेटा ये मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट जो रो यूज करके फर्स्ट रो के ही एलिमेंट आएंगे, राइट. अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से किया तो 1-1 एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट से किया तो 1-2 एलिमेंट. ओके, सेकंड रो के एलिमेंट लाने के लिए हम सेकंड रो यूज करते हैं प्री फैक्टर की. सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तब हमारा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया तब हमारा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट. आई होप आपको ये फ्लो याद है. चलिए, ए स्क्वायर कैलकुलेट हो गया. वी हैव टू शो ए स्क्वायर -3a -7i वुड बी 0. तो सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं हम. यहां पर पुट कर देते हैं आप मैट्रिसेस. ए स्क्वायर इज 22 9 -3 1. रो वाइज जनरली बोलते हैं हम -3 times ए मैट्रिक्स, दैट मीन्स 5 3 -1 -2. देन -7 i. i क्या है बेटा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पर 2 by 2 ऑर्डर की होगी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगनल एलिमेंट्स 1 एंड नॉन डायगनल एलिमेंट 0. ओके, इसको 1 फ्लो में हम एड सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एड सब्ट्रैक्ट. 22 -3 into 5 -15 -7 into 1 -7. ये फर्स्ट एलिमेंट. 9 -3 into 3 -9 -7 into 0 -3, राइट. -3 -3 into -1 +3 -7 into 0 -0. ओके, देन 1 -3 into -2 -6 -7 into 1 -7, राइट. ये देख रहे हैं आप, 22 -22 0 9 -9 0 -3 plus 3 0 1 plus 6 7 -7 0. दैट मीन्स हमारे पास ये नल मैट्रिक्स आ गई. यही हमने सबसे पहले शो करना था. अब हमने बेटा ए इनवर्स कैलकुलेट करनी है और ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना होता है. ए स्क्वायर -3a -7i इज इक्वल टू नल. इसको हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से. ए इनवर्स से आप चाहे वर्डिंग से लिख दीजिए, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स. आपको पता है बेटा
प्री फैक्टर फोर्थ फैक्टर से फर्क पड़ता है, इसलिए हम ध्यान रखते हैं प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट। यहाँ पर जनरली वैसे प्रॉपर्टीज जो यूज करती हैं दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा, आप पोस्ट से भी कर सकते थे, बट हमारी जो जनरल हैबिट रहती है प्री मल्टीप्लाई। ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए, राइट। माइनस थ्री इंटू ए इनवर्स ए, थ्री तो स्केलर है, दैट वुड बी आउटसाइड इटसेल्फ। माइनस सेवन स्केलर है, ए इनवर्स इंटू आई, राइट। ए इनवर्स इंटू नल, यस, क्या हो जाएगा बेटा, नल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, नल मैट्रिक्स आएगी। वी नो एनी मैट्रिक्स इंटू इट्स इनवर्स, किसी भी ऑर्डर से, प्री फैक्टर या प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई, दैट शुड बी आई। दिस इज आई इंटू ए, आइडेंटिटी इंटू ए। थ्री इंटू ए इनवर्स इंटू ए, दैट विल बी अगेन आइडेंटिटी। एंड एनी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स कि किसी भी मैट्रिक्स पे कोई फैक्ट नहीं डाल रहे हो, तो मल्टीप्लाई होके यही मैट्रिक्स आने है ए इनवर्स, दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स। एंड यहाँ आई इंटू ए, अगेन वही बात, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, वही मैट्रिक्स आनी है, राइट। यहां से हमने कैलकुलेट क्या करना है, अब ए इनवर्स, ए इनवर्स को हम एक साइड रखें, सपोज इसको हमने यहाँ लाके ऐड किया, नल ने कोई इफेक्ट नहीं डाला, सेवन ए इनवर्स, बट सेवन को भी हम डिवाइड कर देंगे, दैट वुड बी दिस, राइट। दिस इज जस्ट लाइक हम इसको ट्रांसपोज करके ले गए यहाँ पर, नल मैट्रिक्स प्लस दिस इज सेवन ए इनवर्स, सेवन को भी हमने डिवाइड कर दिया इस साइड से, वन बाय सेवन टाइम्स ए माइनस थ्री आई। जस्ट इसको कैलकुलेट करना है बेटा, प्लीजफुली कैलकुलेट कर लीजिए। वन बाय सेवन इज स्केलर, इसको लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास है ए मैट्रिक्स, फाइव थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वन जीरो जीरो वन, दिस वुड बी फाइव माइनस थ्री, थ्री माइनस जीरो माइनस वन माइनस जीरो माइनस टू माइनस थ्री, और इस मैट्रिक्स को हमने वन बाय सेवन से मल्टीप्लाई भी करना है। जस्ट एलिमेंट ऑब्टेन कर लेते हैं और सेवन हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। फाइव माइनस थ्री टू, टू बाय सेवन, थ्री माइनस जीरो थ्री, थ्री बाय सेवन, माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन बाय सेवन, माइनस फाइव बाय सेवन। आप चेक भी कर सकते हैं बेटा, आपको चेकिंग का तरीका भी बताया था, इस मैट्रिक का एडजॉइंट, ये दोनों इंटरचेंज, माइनस टू फाइव और इन दोनों के साइन चेंज, माइनस थ्री वन। डोंट वरी, अभी ये साइन अपोजिट है, हमने अभी वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट ए क्या है, माइनस टेन प्लस थ्री माइनस सेवन, तो यहाँ तो सेवन था ना, बस वो माइनस इसके साथ एडजस्ट हो गया। ये दोनों इंटरचेंज, इनका नेगेटिव नेगेटिव भी हो जाएगा एलिमेंट्स का, माइनस सेवन से डिवाइड करना है और इन दोनों के साइन चेंज, माइनस थ्री था जब नेगेटिव से डिवाइड हुआ पॉजिटिव हो गया, ये वन होना था बट नेगेटिव से डिवाइड हो गया तो नेगेटिव। ओके, वेरीफाई आप बिल्कुल कर सकते हो इनवर्स। चलिए, आई होप ये आपसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइंग द मैट्रिक इक्वेशन दिस, यस, मैट्रिक इक्वेशन है ये बेटा। ए मैट्रिक्स आप देख रहे हैं इस पोजीशन पर है, आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। इसके जो पहले मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्स, दैट इज ऑफ टू बाय टू ऑर्डर, ये जो नेक्स्ट है उसके बाद लिखी हुई है मल्टीप्लाई हुई है, दैट इज ऑल्सो टू बाय टू, तो इसकी नंबर ऑफ रोज आएंगी इसके नंबर ऑफ कॉलम से, दैट इज टू, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे इसकी नंबर ऑफ रोज से, दैट इज टू। That means A आपकी मैट्रिक्स टू बाय टू ऑर्डर की है, आप बिल्कुल उसको इस ढंग से एज्यूम करके मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कैलकुलेट करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज अ कैजुअल वे, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू सम डिफरेंट वे जिससे आप थोड़ा और क्विकली कर सकें, जो इक्वेशन बनती है फोर फोर उनमें कंफ्यूज ना हो। लेट अस जस्ट सी, अगर आपको पसंद आता आप ये फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो जो ये मेथड है उससे भी कर सकते हैं और उसको करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करवा सकते हैं।
यस हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखिए एक रिजल्ट हम यूज करेंगे। हमें पता है ए इनवर्स इनटू ए इज आइडेंटिटी एंड ए इनटू ए इनवर्स, ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, हम इस ए की बात नहीं कर रहे, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, इज ऑल्सो आइडेंटिटी, राइट। तो हम सिर्फ यहां पर इतना ही यूज करेंगे बेटा। गिवन इक्वेशन क्या है, दिस मैट्रिक्स इंटू ए, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 1001, दैट इज आइडेंटिटी, बी केयरफुल आइडेंटिटी। अब हम यूज कैसे करेंगे बेटा, हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो ए से पहले मैट्रिक्स लिखी है उसके इनवर्स से, ताकि ये इससे मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी दे, आइडेंटिटी देगी तो ए पर इफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है। और इसका देखिए इनवर्स आपको ध्यान होगा बेटे, इनवर्स हमने किसी भी मैट्रिक्स का अगर कैलकुलेट करना है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स 1/ डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए 2/2 का हमने डायरेक्टली सीखा था। अगर ए मैट्रिक्स आपकी ये है ए बी सी डी मान लीजिए, चलिए तो इसका इनवर्स हमने सीखा था, अभी जो डिस्कस भी किया चेक करने के लिए, इनको इंटरचेंज, ए डी इंटरचेंज हो गए डी ए, और इनके साइन चेंज, बट 1/ डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई करना है, बी केयरफुल, ठीक है। वो उसी की वजह से लास्ट क्वेश्चन में भी नेगेटिव था। तो इसको देखिए 2 × 2 = 4 − 3, डिटर्मिनेंट वन है। इसको हम जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो किस मैट्रिक्स से करेंगे, ये इंटरचेंज दोनों सेम है, इनके साइन चेंज, और डिटर्मिनेंट ए 1 है इसलिए कुछ भी डिवाइड नहीं करना हमने, इससे मल्टीप्लाई करके हम ऑब्टेन क्या करेंगे, हमें पता है हमने ये क्या लिया है इनवर्स, तो ये जो पहली जो मैट्रिक्स रह जाएगी दैट विल बी आई, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ करेंगे 2 − 3 − 1 = 2, के और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है, यही लॉजिक यूज करना है, दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज ए, दिस मैट्रिक्स इज एज सच, एंड ये क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई हुआ ये मैट्रिक्स खुद आ गई, ठीक है। आपको ये रूल्स याद होंगे, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके एज सच रहेगा तभी ये फॉलो होगा, ठीक है, ए इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी होगा तभी फॉलो, ठीक है। अब हम इसके इनवर्स से कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका इनवर्स भी देखो −3 × −3 = −9 − 10 − 1, मतलब जो यहां पर आप इनवर्स करने के लिए कैलकुलेट करोगे ये इंटरचेंज ये साइन चेंज, उसको −1 से मल्टीप्लाई कर, मतलब अब हम करेंगे कॉस मल्टीप्लाइंग, अब −1 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखेंगे ये इंटरचेंज होने थे, ये दोनों सेम है और दोनों नेगेटिव है, −1 से मल्टीप्लाई होना है तो ये दोनों 3 हो गए, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं −2 − 5, लेकिन −1 से भी मल्टीप्लाई होना है तो ये 2 − 5 ही रह गए, ओके। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए इनके साइन भी चेंज होने थे, बट −1 से मल्टीप्लाई होना है तो ये है, ओके। अब इसको हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगेन पता है क्योंकि ये इनवर्स है तो हमारी आई ए ए ही हो जाएगी, उसको भी हम साथ साथ फॉलो कर लेते हैं, इसको हम ए ही लिखते हैं, जो राइट में मैट्रिक्स है उसका अब इनवर्स ले रहे हैं हम, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें पता है अब ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, अब ये यूज कर रहे हैं, राइट में मैट्रिक्स थी 2 − 1 − 3 = 2, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी
3, 2, 5, 3। ओके, ये हमें पता है बेटे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि इसका इनवर्स ये मैट्रिक्स थी, इसका इनवर्स ये मैट्रिक्स थी, हमने यही सोच के पोस्ट मल्टीप्लाई किया था। ये आइडेंटिटी और ये हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 3, 6 − 5, 1, 2 × 2, 4 − 3, again 1, − 3 × 3, − 9, +2 × 5, 10, − 9 + 10, 1, −3 × 2, − 6, +2 × 3, 6, 0। A into I क्या होता है बेटा? A itself. I hope आपको ये अच्छा लगा है मेथड बेटा। वो लॉन्ग इतनी 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल में इक्वेशन निकालो, उसे सॉल्व करो, इससे कहीं ऊंचा होता है। नो डाउट थोड़ा ट्रिकी है आपका ये मेथड यूज हो रहा है, यही तो सीखने लगे NCERT एग्जाम्पलर में, यही तो आने वाला है। यू कैन कीप इट रिवाइजिंग, ऐसे करना चाहिए बेटा ये क्वेश्चन। ओके, आई होप यू फाइंड दिस मेथड एज अ गुड मेथड। चलिए, यस, फाइंड ए इफ दिस मैट्रिक्स इनटू ए इज दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको बार बार कहा था बेटे, ऑर्डर जरूर ध्यान रखना है। देखिए ये क्या है, 3 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। ये क्या है, 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स होनी है वो किस ऑर्डर की होगी, पहले आप उसे गेस करेंगे। ठीक है, यहाँ ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, और कॉलम मैट्रिक्स का तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ आप पिछले वाले क्वेश्चन वाला मेथड नहीं यूज कर सकते। यहाँ आपको प्रॉपर इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लेके उनको इक्वेशन बना के ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो जो पहला मेथड मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बोला था वो एक तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा इसे। चलिए, सबसे पहले ए का ऑर्डर आप गेस करेंगे। ए से जो प्री फैक्टर है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स 1, तो ए के नंबर ऑफ रोज 1। ठीक है, जो रिजल्टेंट आ रहा है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 3, क्योंकि तभी तो ये 3 × 3 बनेगा ना रिजल्टेंट। तो ए हमारी 1 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स होगी, तो ए को हम एज्यूम कर लेते हैं 1 × 3 मतलब 1 रो 3 कॉलम, एक्स वाई जेड, ये आप मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं। अब जो आपको रिलेशन दिया है हुआ है उससे क्या होगा, दिस कॉलम मैट्रिक्स इनटू दिस रो मैट्रिक्स वुड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ओके, सिंप्लीफाई, मल्टीप्लाई करिए और इक्वालिटी रखिए, देन ऑब्टेन करिए। देखिए, 4 × x 4x, 4 × y 4 × z, 1 × x, 1 × y, 1 × z, ये आपके एलिमेंट्स आ गए, ऐड नहीं होना कहीं भी। ठीक है, 1 रो के एलिमेंट्स को 1 कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो एक एक ही एलिमेंट है। 3 × x 3 × y 3 × z। ओके, आपका काम क्या था बेटे, एक्स वाई जेड निकालना। और अब आप देखिए, आपके पास 3 रोज आ गई, तीनों रोज में आपके एक्स वाई जेड हैं, बट एक रो में क्लियर कट एक्स वाई जेड एज सच है, उसका कोई मल्टीपल नहीं। किस रो में? सेकेंड रो में। तो सीधा आप इक्वालिटी यूज करें, तो एक्स इज −1, वाई इज 2, जेड इज 1। अब बाकी को मेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, 3x is −3, yes, −1 × 3 will be −3, 3y (3 × 2) would be 6, 3z (3 × 1) 15, same here, 4 × −1 − 4, 4 × 2 8, 4 × 1 4, सही निकला आपका xyz, that means xyz करके नहीं छोड़ देंगे बेटा, सिर्फ a हमें कैलकुलेट करनी थी, a कैलकुलेट करेंगे, −1 2 1। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी नॉर्मल बुक में कोई नहीं है बेटे, तो इसलिए बार बार कहती हूँ एग्जाम्पलर करना बहुत अच्छा है बेटा, करने चाहिए, सम डिफरेंट गुड क्वेश्चंस आ गया। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड बी इज दिस मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट बी ए
होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर। इजीली समझ आ रहा है बेटा क्वेश्चन, पी इंटू ए कैलकुलेट करना है, उसका स्क्वायर मतलब बी ए को बी ए से मल्टीप्लाई करना है। देन यू हैव टू चेक वेदर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और नॉट। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं बेटा ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है। ए का ऑर्डर क्या है बेटा, थ्री रोज टू कॉलम्स, थ्री बाय टू। बी का ऑर्डर क्या है, टू रोज थ्री कॉलम्स। आप अगर गौर से देखें ए बी भी कैलकुलेट हो सकती है, थ्री बाय थ्री ऑर्डर की होगी। बी ए भी कैलकुलेट हो सकता है बट टू बाय टू ऑर्डर का। ठीक है, चलिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, बी ए होल स्क्वायर। दैट मीन्स बी ए सबसे पहले फाइंड आउट करनी है हमने। बी ए कैलकुलेट करें अगर हम, बी मैट्रिक्स टू बाय थ्री, टू वन, वन टू, टू फोर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, हमेशा केयरफुल रहिए बेटा, आपके सामने है ए बी बी ए दोनों कैलकुलेट हो सकते हैं बट बोथ विल नॉट बी सेम हियर, इवन नॉट कंपेरेबल। ओके, बी ए कैलकुलेट करना हम, यस। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, टू इंटू थ्री सिक्स, प्लस वन इंटू वन वन, प्लस टू इंटू टू फोर सिक्स, प्लस वन प्लस फोर दैट मीन्स 11, राइट। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, टू इंटू माइनस फोर माइनस एट, प्लस वन इंटू वन वन माइनस सेवन, प्लस टू इंटू जीरो दैट मीन्स माइनस सेवन। नाउ सेकेंड रो, सेकेंड रो कंसिडर करेंगे, सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम, वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू वन प्लस फोर इंटू टू थ्री, प्लस टू फाइव, प्लस एट थर्टीन, राइट। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, वन इंटू माइनस फोर प्लस टू इंटू वन प्लस फोर इंटू जीरो माइनस फोर प्लस टू दैट मीन्स माइनस टू। ओके, ये अभी हमारा कैलकुलेट हुआ बी ए। अब हमने कैलकुलेट करना है बी ए स्क्वायर। बी ए स्क्वायर मीन्स बी ए इंटू बी ए, राइट। बी ए मैट्रिक्स को बी ए मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करना है। ये अगर हम मल्टीप्लाई करें, 11, 13, माइनस सेवन माइनस टू, 11 माइनस सेवन 13 माइनस टू, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस है, टू बाय टू ऑर्डर। हमारा ये आंसर भी टू बाय टू आने वाला है। 11 इंटू 11 121 माइनस 7 इंटू 31 91। नेक्स्ट 11 इंटू माइनस 7 माइनस 77 माइनस 7 इंटू माइनस 2 प्लस 14 13 इंटू 11 143 माइनस टू इंटू 13 माइनस 26 13 इंटू माइनस 7 माइनस 91 माइनस टू इंटू माइनस टू फोर। ओके, ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया 30 माइनस 63, देन हियर 117, देन हियर माइनस 87, राइट। ये हमारी लेफ्ट साइड कैलकुलेट हो गई बी ए होल स्क्वायर दिस मैट्रिक्स। ओके, अब हमने बात करनी है बेटा बी स्क्वायर ए स्क्वायर की। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हम देखेंगे सबसे पहले, जस्ट सी, बी हमारी मैट्रिक्स है बेटा टू बाय थ्री ऑर्डर की। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखू मैं सिर्फ, बी स्क्वायर मीन्स बी इंटू बी हमने कैलकुलेट करना है। क्या ये ऑर्डर जो है बेटा बी इंटू बी कैलकुलेट करना परमिट करता है? हमें क्या चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, बट नहीं है, राइट। दैट मीन्स बी स्क्वायर कुड नॉट बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट ही नहीं हो सकता। जब बी स्क्वायर ही कैलकुलेट नहीं हो सकता तो क्या बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैलकुलेट होगा, राइट। बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज ऑल्सो कैलकुलेट नहीं हो सकता। ओके,
लेफ्ट साइड हमारी कैलकुलेट हो गई है 2x2 मैट्रिक्स, राइट साइड हमारी कैलकुलेट नहीं हो सकती। दैट मीन्स हम क्लियर कट कह सकते हैं पी ए होल स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू पी स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था बेटा, स्पेशली दिस साइड राइट। इक्वालिटी में अदरवाइज आपके माइंड में होता है कि वैल्यूज आएंगी ही, अब यहाँ पर आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं जब डिफाइंड हो। यू शुड बी केयरफुल, यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल जब भी मल्टीप्लीकेशन निकालनी है मैट्रिसेस की, ऑर्डर बिल्कुल देखिए। ओके चलिए नेक्स्ट। इफ पॉसिबल फाइंड बी ए एंड ए बी, वेयर इज दिस मैट्रिक्स, बी इज दिस मैट्रिक्स। ए का ऑर्डर बेटा 2x3, बी का ऑर्डर 3x2। अभी हमने सेम ऑर्डर को डिस्कस किया, पी ए और ए बी दोनों फाइंड आउट करने हैं, तो हम दोनों फाइंड आउट करेंगे। पी ए मीन्स बी मैट्रिक्स को हमने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, पी इंटू ए। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी बेटा? पी इंटू ए 3x3 ऑर्डर, ठीक है। तो लिखते हुए ध्यान रखेंगे, 4 × 2 8 + 1 × 1 = 8 + 1 9, 4 × 1। अब बिल्कुल चैप्टर का लास्ट है बेटे, अब ये मेंटली होनी चाहिए आपसे, प्लस प्लस करके मत लिखिए, लेकिन हाँ बिल्कुल अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो लिखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। 4 × 1 = 4 + 1 × 2 = 6 + 4 + 2 = 6, 4 × 2 = 8 + 1 × 4 = 8 + 4 = 12। ओके, नाउ सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, 2 × 2 = 4 + 3 = 4 + 3 = 7, 2 × 1 + 3 × 2 = 2 + 6 = 8, सेकंड रो विद थर्ड कॉलम, 2 × 2 = 4 + 3 × 4 = 12, 4 + 12 = 16। नाउ फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 1 × 2 + 2 × 1 = 2 + 2 = 4, 1 × 2 × 1 + 4 = 5, 1 × 2 = 2 + 8 = 10। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई बी ए बेटा, और हमें ए बी भी कैलकुलेट करने को कहा है, और ए बी आपको क्लियर कट दिख रहा है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई राइट। हम स्टार्टिंग में ही ए एंड बी का ऑर्डर ऑब्जर्व कर चुके हैं। ए बी अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी हमारी 2x2 ऑर्डर की आनी है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, 2 × 4 = 8 + 1 × 2 = 2 + 2 = 10 + 2 × 1 = 10 + 2 = 12। ओके, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 2 × 1 = 2 + 1 × 3 = 3 + 2 + 3 = 5 + 2 × 2 = 4 + 4 = 9, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × 4 = 4 + 2 × 2 = 4 + 4 × 1 = 4 + 4 + 4 = 12। नाउ 1, 2, 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 × 1 = 1 + 2 × 3 = 6 + 6 = 7 + 4 × 2 = 8 + 7 + 8 = 15। ओके, तो आप देख रहे हैं क्लियर कट, बी ए 3x3 ऑर्डर की है बेटा, और ए बी 2x2 ऑर्डर की। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में आपको वेरीफाई करने को कह दिया जाता है वेदर ए बी और बी ए आर इक्वल और नॉट, यहाँ पर कहा नहीं, उतना भी कहा है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं क्लियर कट में दिख रहा है बेटा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इन इवन दे आर नॉट कंपेरेबल। कंपेरेबल मैट्रिसेस क्या है बेटा? जिनके ऑर्डर सेम हो, इनके तो ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शो बाय एन एग्जाम्पल दैट 4a इज नॉट 0, b नॉट इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू 0, डन मैट्रिक्स। ऐसे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं बेटा बुक में आपके साथ एनसीईआरटी करते हुए। a इज नॉट 0, b इज नॉट 0, आई होप आपको कंप्लीटली ध्यान है कैसे देखना है। छोटे से छोटी मैट्रिसेस आपको सिखाई थी, लिखिए, आप लिखिए अपने आप, यहां से कंपेयर करिए। ए मैट्रिक्स हमने ले ली, मान लीजिए 2 0 0 0, डेफिनेटली नॉन जीरो है ये बेटा,
राइट। पी हमने मैट्रिक्स ले ली, ऐसा एलिमेंट रखा कि मल्टीप्लाई करके टू के साथ नॉन जीरो नंबर ना आए, राइट। जीरो 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 पी, दिस इज अगेन नॉन जीरो, एक भी नॉन जीरो एलिमेंट आ गया तो नॉन जीरो। अब आप जब ए बी कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल यू गेट, टू जीरो 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 आपको शो भी करने को कहा है, डू रिमेम्बर, सिर्फ लिख के नहीं छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल, दिस रो इंटू दिस कॉलम जीरो है, सब जीरो आने वाला है बेटा। दिस रो इंटू दिस कॉलम, आप देख रहे हैं टू इंटू जीरो है प्लस जीरो इंटू थ्री है, अल्टीमेटली जीरो आने वाला है। और सेकेंड रो में तो सभी में जीरो है, जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आने वाला है। ओके दैट मींस, ओके तो ऐसे एग्जांपल आपके तीन चार डिस्कस किए हुए हैं बेटा, ध्यान रखिए आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन ए इज दिस मैट्रिक्स एंड बी इज दिस मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं जनरली टू बाय थ्री, थ्री बाय टू, इनकी पेयरिंग ही आ रही है अभी तक। इस ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ध्यान है आपको बेटा, ये रिजल्ट किया हमने, रिवर्सल लॉ कहते हैं इसे, बिल्कुल वैलिड रिजल्ट है। एक तरीके से हमें वेरीफाई करना है इस रिजल्ट को इन मैट्रिसेस के लिए। ओके तो चलिए वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। ए बी कैलकुलेट करना हमें सबसे पहले, ए बी किस ऑर्डर का आएगा बेटा, हमेशा आपसे गलती ना हो, आप जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स लिख लिए हैं वो गलत ना कर दें, आप केयरफुली ऑर्डर रिकॉल कर लीजिए माइंड में। ए की नंबर ऑफ रोज एंड बी के नंबर ऑफ कॉलम्स इस ऑर्डर की मैट्रिक्स आनी है, और ए की नंबर ऑफ रोज क्या है बेटा टू, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स टू, दैट मीन्स ए बी मैट्रिक्स हमारे पास टू बाय टू ऑर्डर की आनी, ठीक है। तो वन बाय वन करते हैं, टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, टू इंटू वन प्लस फोर इंटू टू, टू प्लस एट टेन, प्लस जीरो इंटू वन जीरो, दैट मीन्स टेन प्लस जीरो टेन। ओके देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से, टू इंटू फोर एट, प्लस फोर इंटू एट थर्टी टू, थर्टी टू प्लस एट फोर्टी, और ये जीरो इंटू थ्री जीरो, दैट मीन्स वी आर गेटिंग फोर्टी है। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट आना थ्री इंटू वन थ्री, प्लस नाइन इंटू एटीन थ्री, प्लस एटीन ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस सिक्स इंटू वन सिक्स, ट्वेंटी वन प्लस सिक्स इज ट्वेंटी सेवन। ओके नाउ अगेन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, एट इंटू नाइन सेवेंटी टू, सेवेंटी टू प्लस ट्वेल्व एटी फोर, एटी फोर सिक्स थ्री सा एटीन, एटी फोर प्लस एटीन, एटी फोर प्लस एटीन इज वन हंड्रेड टू, राइट। ये भी मैट्रिक्स आ गई। अब हम वन बाय वन चले तो इसका हमने पहले ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम हो गई, ए बी मैट्रिक्स की सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम। ओके नाउ बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज हमारी थ्री बाय टू की मैट्रिक्स है बी, तो बी ट्रांसपोज हो जाएगी टू बाय थ्री ऑर्डर की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट। नाउ ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज टू बाय थ्री की है तो ये हो जाएगी थ्री बाय टू की, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए का जो फर्स्ट रो है वो ए ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम, ए की सेकेंड रो ए ट्रांसपोज का सेकेंड कॉलम। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स वन फोर टू एट वन थ्री, दिस इज बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज टू फोर जीरो थ्री नाइन सिक्स। कॉपी करते हुए बेटा एक पेज से दूसरे पेज, एक जगह से दूसरी जगह, हमेशा डिजिट्स और साइन के लिए केयरफुल रहिए। डिजिट और साइन ही छोटे छोटे मिस्टेक हो जाती है बेटे, जो पूरा आंसर फिर गलत करा है। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, वन इंटू टू टू, प्लस टू इंटू फोर एट, प्लस वन इंटू जीरो टू, प्लस एट टेन, वन इंटू थ्री थ्री, प्लस टू इंटू नाइन एटीन, थ्री प्लस एटीन ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस सिक्स ट्वेंटी सेवन,
4 into 2, 8 plus 8 into 4, 32, 8 plus 32, that means 40, plus 3 into 0, 0, 40. 4 into 3, 12, plus 8 into 9, 72, 72 plus 12, 84, plus 3 into 6, 18, 84, plus 18, 100. देख रहे हैं बेटे, जो चेक करना था हमें, ए बी ट्रांसपोज 10, 27, 40, 102, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसके भी एलिमेंट 10, 27, 40, 100. दैट मीन्स ए बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज सेम एज ट्रांसपोज ऑफ बी इंक्लूड ट्रांसपोज ऑफ ए, जिसे हम रिवर्सल लॉ कहते हैं. ओके, रिवर्सल लॉ एक तरीके से वेरीफाई करना था हमें. आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इस टाइम से भी पूछे जा सकते हैं, वेरीफाई द रिवर्सल ऑफ और ट्रांसपोज. ठीक है, ये नहीं दिया हो, आपको पता होना चाहिए, बाय नेम पता होना चाहिए. ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस वाई इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स. इक्वेशन दी हुई है, मैट्रिक्स इक्वेशन, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको क्लियर कट दिख रहा है बेटे कि एक्स एंड वाई नंबर है. गिवन क्या हमें, एक्स इंटू टू वन दिस मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स प्लस वाई इंटू दिस कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल टू बाय वन ऑर्डर की मैट्रिसेस है बेटा, प्लस माइनस एट इंटू माइनस इलेवन इज नल मैट्रिक्स. ठीक है, एक्स इंटू टू वन, चलिए स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं. 2x, x हर एलिमेंट से x मल्टीप्लाई होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन निकालने का तरीका. y से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एलिमेंट को करेंगे 3y, 5y, राइट. देन ये तो हमारी मैट्रिक्स डायरेक्ट दे रखी है, इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रही. नल मैट्रिक्स भी हमारी इसी ऑर्डर की होगी, 2 बाय 1, 2 रोज 1 कॉलम. अब हम जब मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होने हैं, 2x plus 3y minus 8 ये ऐड हो गए, x plus 5y minus 11 ये ऐड हो गए. दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 1. अब जब अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने इक्वल किए, वी विल गेट टू इक्वेशन, 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 and x plus 5y minus 11 is equal to 0. आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए. दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में है, x एंड y में, जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए. इक्वेशन 1 माइनस 2 टाइम्स इक्वेशन 2 हम कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं x को, वी विल गेट 2x माइनस 2x 0, 3y माइनस 10y, दैट मीन्स माइनस 7y. ओके, माइनस 8 माइनस 2 टाइम्स 11, दैट मीन्स माइनस 8 प्लस 22, दैट मीन्स 40, दिस इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी विल गेट y एज माइनस 14 बाय माइनस 7, दैट मीन्स 2. अब हम सेकेंड इक्वेशन से x कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट विल बी 11 माइनस 5y, दैट मीन्स 11 माइनस 5 इंटू 2, दैट मीन्स 10, दिस इज 1. x और y की वैल्यू ही कैलकुलेट करने को कहा था बेटा हमें, x 1 आ गया, y 2 हुआ. ओके, मैट्रिक्स इक्वेशन में x y जो वेरिएबल ले रखे थे वो हमने कैलकुलेट किया, सिंपल टू कैलकुलेट. चेक नेक्स्ट, If x and y are 2 by 2 matrices, then solve the following matrix equation for x and y. ये भी रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी बुक में भी था आपके, बिल्कुल करिए, अपने आप पॉज करिए, देन वेरीफाई फ्रॉम हियर. एलिमिनेशन ही यूज करते हैं हम मोस्टली. हम लिख लेते हैं गिवन रिलेशन क्या है, 2x plus 3y is this matrix. Again, 3x plus 2y will be this matrix. ठीक है, दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. एलिमिनेशन करना चाहते हैं हम तो नेम दे देते हैं ताकि हमें लिखना इजी रहे. हम चलिए x से एलिमिनेट कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई. इक्वेशन 1,
इंटू थ्री माइनस इक्वेशन टू इंटू टू, एक्स के कोफिशिएंट सेम हो जाएगा कि ना बेटा, सिक्स एक्स सिक्स एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, वी विल गेट व्हाट, सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा, नाइन वाई माइनस फोर वाई, दैट मीन्स फाइव वाई, ठीक है। और इधर आपका होगा थ्री इंटू दिस मैट्रिक्स, इनको आप केयरफुली निकालेंगे, जल्दी में नहीं, ठीक है, वो तो सिंगल वेरिएबल है, आप कर सकते थे मेंटली, माइनस टू वन टू माइनस वन, केयरफुली कैलकुलेट करिए, दिस विल बी थ्री इंटू टू सिक्स, माइनस टू इंटू माइनस टू, सिक्स प्लस फोर टेन, ठीक है। आपसे नहीं होता स्केलर मल्टीप्लाई करिए पहले, फिर सब्ट्रैक्ट करिए, केयरफुली करिए, बट आई होप बेटा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस अब आपकी अच्छी होगी, ठीक है। देन थ्री इंटू थ्री नाइन, माइनस टू इंटू माइनस फोर नाइन, माइनस फोर फाइव, ठीक है, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, माइनस टू इंटू वन माइनस टू ट्वेल्व, माइनस टू टेन, थ्री इंटू जीरो जीरो, माइनस टू इंटू माइनस फाइव प्लस टेन, जीरो प्लस टेन टेन, this is 5y and we are to find y, so y will be 1 by 5 times this, yeah, पहले ही ऊपर step में भी ला सकते थे बेटा, right में, चलिए अभी हम 1 by 5 times this matrix है, मतलब इस matrix के हर element को 5 से divide करना, okay, 5 से divide करना, scalar multiplication का भी ध्यान रखिए क्या meaning होता है। अब हम चलिए इक्वेशन फर्स्ट से ही लिख देते हैं, 2x विल बी, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं बेटा y की वैल्यू राइट में, ये मैट्रिक्स है, माइनस थ्री टाइम्स y, y क्या है, टू टू वन टू, दैट मीन्स 2x मैट्रिक्स विल बी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैलकुलेट कर लीजिए बेटा, टू माइनस थ्री इंटू टू सिक्स, टू माइनस सिक्स मीन्स माइनस फोर आ गया फर्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट विल बी थ्री, माइनस थ्री इंटू वन, थ्री माइनस थ्री जीरो, नेक्स्ट विल बी फोर, माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, फोर माइनस सिक्स मीन्स माइनस टू, जीरो माइनस थ्री इंटू टू, जीरो माइनस सिक्स दैट मीन्स माइनस सिक्स, और टू एक्स आइए, एक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो टू राइट साइड में आके डिवाइड करेगा बेटे, स्केलर टू से डिवाइड करना मीन्स एवरी एलिमेंट विल बी डिवाइडेड बाय टू, माइनस फोर डिवाइडेड बाय टू माइनस टू, जीरो डिवाइडेड बाय टू जीरो, माइनस टू डिवाइडेड बाय टू माइनस वन, माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय टू माइनस थ्री, दैट मीन्स एक्स इज माइनस टू माइनस वन जीरो माइनस थ्री एंड वाई इज टू टू वन, ओके, ये मैट्रिसेस आ गए, बिल्कुल रेगुलर क्वेश्चन था बेटा ये भी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, देख रहे हैं किस ऑर्डर की है, वन बाय टू, बी इज दिस मैट्रिक्स अगेन वन बाय टू, देन फाइंड ए नॉन जीरो मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू सी, यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बी केयरफुल, जस्ट क्यों अच्छा है देखिएगा अभी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आप पहले गेस करें, ए का ऑर्डर है बेटे वन बाय टू, बी का ऑर्डर है वन बाय टू, सी के नंबर ऑफ कॉलम्स तो पता चल रहे हैं, रोज तो पता चल रहे हैं टू, राइट, दोनों से, लेकिन कॉलम नहीं पता चल रहे, कॉलम नहीं पता चल रहे, तो क्या करें हम, हमने तो सी फाइंड आउट कर लिया है, हम एज्यूम कर लेते हैं सी को सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम, दैट मीन्स वन, वन एज्यूम कर लेते हैं, दैट मीन्स टू रोज एंड वन कॉलम, दैट मीन्स हम एज्यूम कर लेते हैं दिस वन, ठीक है, टू रोज एंड वन कॉलम, अगर हमने इसको एज्यूम किया, ठीक है, तब क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी है, अब हमें सी मैट्रिक्स चाहिए तो हम एक्स वाई फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अब इनको हम ए सी को कैलकुलेट करेंगे पहले, फिर इक्वालिटी करेंगे, लेट अस सी हाउ मेनी इक्वेशंस वी आर फाइंडिंग, हमने ए की वैल्यू रख दी, बी सी की वैल्यू रख दी, बी की रख देते हैं वैल्यू, देन सी की रख देते हैं वैल्यू,
और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया बेटे 3x + 5y, 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। राइट में भी आ गया बेटे 7x + 3y, मतलब अगेन 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो इनको जब हम एलिमेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल रखेंगे तब तो हमारे पास एक ही रिलेशन आया, जबकि दो वेरिएबल कैलकुलेट करने के हमारे पास दो रिलेशन आने चाहिए थे, पर वो नहीं आ रहे किसी भी तरीके से। तो दैट मीन्स आप एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते नंबर्स में, बट एलिमेंट्स में रिलेशन बिल्कुल आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 7x, हम xx वन साइड कर देते हैं और yy वन साइड कर, राइट। 3x - 7x = 3y - 5y, दैट मीन्स -4x = -2y, दैट मीन्स 2x = y, y is 2x, राइट, y is 2x, दैट मीन्स क्या हुआ बेटा, 3 मैट्रिक्स आ गई हमारे पास x 2x टाइप की, जहां पर x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर हो सकता है। अब लेकिन सी का ऑर्डर तो आप फिक्स नहीं कर सकते, नंबर ऑफ कॉलम 1 है ये नहीं कर सकते, तो यहां पर आपका आंसर तभी कंप्लीट होता है जब आप लिखे सी कैन बी एनी वन ऑफ, आप जब आप बाकी भी लेंगे तो भी आपकी देखेंगे चेक करके कि इसी टाइप की आएगी, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, उस टाइप की आएगी। x 2x, मतलब सेकेंड रो का एलिमेंट फर्स्ट का ट्वाइस। अब आप टू ऑर्डर भी ले सकते हैं, टू कॉलम भी, तब भी आपका इसी टाइप की मैट्रिक्स रहने वाली है। आप थ्री ऑर्डर की, थ्री कॉलम की, टू रोज तो टू ही लेनी है, थ्री कॉलम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर गिविंग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। ये आंसर अगर यहां छोड़ देंगे आप तो अधूरा हो जाएगा। और पहली बात तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं देखे एनसीईआरटी नॉर्मल ग्रुप में, तो यही आप कंफ्यूज कर जाएंगे, निकल नहीं रहा, तो ये प्रैक्टिस भी अच्छी है ना बेटा, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन कह रही थी। सी आपकी सबसे पहले तो उसमें वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, पहली रो का एलिमेंट दूसरी रो का एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है, सेकेंड रो का एलिमेंट फर्स्ट रो के एलिमेंट से ट्वाइस है। सेकेंड थिंग, बिना इसके भी आपके आंसर अच्छा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पॉसिबली कह सकते हैं सभी के लिए अंडरस्टैंडिंग क्या फॉलो, ओके। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसलिए स्टार लगाती जा रही हूँ बेटे, और अच्छे क्वेश्चन जो आपके रेगुलर क्वेश्चन से अलग टाइप के हैं उनको और ध्यान से देखिएगा रिवीजन टाइप, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, नेक्स्ट क्लास में और 10 क्वेश्चन करेंगे। To continue with your practice, okay? Thanks everyone.